आज मैंने मर्क सोल यानी कि मर्क्यूरियस का प्रथम भाग दिया। ये दवा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इसके और क्या क्या गुण हैं उससे परिचित कराऊंगा। शरीर से पसीना अधिक आ रहा हो, त्वचा पर कई जगह घाव हो गए हों, बदबू आती हो, नम मौसम में गर्मी के और ठंड के मौसम में रात के समय रोग में वृद्धि होना, इस प्रकार के रोगियों को मर्क्यूरियस देना चाहिए। श्लेष्मिक झिल्ली इससे निकलने वाले स्राव का रूप पहले पतला होता है, उसको छूने त्वचा उधड़ने लगती है, दस्त और नज़ला में इसका अंश मौजूद होता है, बाद में स्राव गाढ़ा हो जाता है, रात को इसमें और तेजी आ जाती है। ऐसे लक्षणों को मर्क्यूरियस दूर करता है। ग्रंथियों में सूजन जैसे टोनसिल बढ़ना, ये ग्रंथियों में आता है। मसूड़े फूलना ये भी ग्रंथियों में ही आता है। ग्रंथियों में सूजन आ जाना, फोड़े फुंसी में मवाद जमा होना, जख्मों में मोम जैसा चिकनापन होना, इस प्रकार के रोगों को मर्क्यूरियस ठीक करता है। इसके अलावा इसका जो रोगी होता है हर बात में जल्दी करता है, बहुत जल्दी बात करता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से न दे सकना, किसी के मुंह की तरफ ताकना, किसी बात को देर से समझना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्यूरियस देना चाहिए। याद रखिए, मर्क्यूरियस 30 पोटेंसी को बार बार देने से बहुत अच्छा काम करती है। विशेष परिस्थितियों में ही 200 या 1000 काम में लेना चाहिए। रोगी को सिर को छूने से उसे दर्द होता है, सिर खुज जाता है तो दर्द बढ़ता है, सिर में खून निकलने लगता है, खोपड़ी की चमड़ी में खुजली होती है, तरल निकलता है, पपड़ियाँ जम जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, सिर की हड्डियों में सूजन आ जाती है, सिर पर कहीं कहीं गांठें हो जाती है। गर्मी के अंदर रोग के लक्षण बढ़ते हैं, इस प्रकार के लक्षणों में मर्क्यूरियस देना चाहिए। मर्क्यूरियस यानी कि पारद, पारद का मतलब पारा, पारा के सेवन करने से उत्पन्न रोग से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर में दर्द होता रहता है, जुकाम हो जाता है, सिर में गर्मी महसूस होती है, सिर भारी भारी सा लगता है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे सिर में पट्टी बंधी हुई है, दर्द इतना तेज होता है कि ऐसा लगता है जैसे सिर पटा जा रहा है, हवा लगने पर सिर के दर्द और भी तेज होते हैं, कमरे के अंदर रहने पर कुछ आराम मिलता है लेकिन ठंड तथा गर्म कमरे में रोगी को परेशानी होती है, हवा से झोंक लगने और अधिक परेशानी हो जाती है, रोगी कुछ ओढ़ना चाहता लेकिन गर्मी के कारण तकलीफ होती है, इस प्रकार के रोगी को मर्क्सोल 30 पोटेंसी देना चाहिए। पुराना जुकाम ठंड के कारण पतला हो जाता है, तेजी से बहने लगता है और सिर में दर्द भी पैदा होता है, इस प्रकार के लक्षण में मर्क्सोल देना चाहिए। खसरा, कोई आदमी खसरा से पीड़ित हो, अपने सिर को इधर उधर घुमाता हो, उसके सिर में दर्द रहता हो, पानी जम जाता हो, पसीना आता हो, तो इस प्रकार के लक्षणों को मर्क्सोल ठीक करता है। आँखों के लक्षण, मर्क्यूरियस औषधि कई प्रकार के आँखों के रोगों को ठीक करने के लिए अधिक उपयोगी है। ठंड लगने के कारण आँख आ गई हो, आँखों में सूजन हो, आँखों में जलन तथा सुर्खी हो, आँखों की कोई भी तकलीफ होती है तो अक्सर डॉक्टर
आर्जेंटम नाइट्रिकम, रूटा, फाइस्टा स्टिग्मा आदि दवाओं की ओर ही दौड़ते हैं, मर्क सोल पे ध्यान नहीं देते। ये भी बहुत अच्छी दवा है। आंखों से गर्म पानी बहना, सुबह के समय आंखों में कीचड़ आना, आंख का चिपक जाना, आंखें अच्छी तरह से नहीं खुलती, आंखों से धुंधलापन नजर आता है, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कोहरा आ गया है, रोशनी तथा आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के लक्षण में यदि कोई भी लक्षण है तो मर्क्यूरियस देना चाहिए। कान से गाढ़ा हरे रंग का मवाद निकलता है जिसमें से बदबू आती है, कान पर सूजन आती है तथा कान में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कान का पर्दा फट गया है। कभी कभी कान रुक रुक कर बंद हो जाता है, निगलने या नाक से झिड़कने के बाद कान खुल रहा है। ये बिगड़े हुए जुकाम की भी दवा है। और कान से जो रस्सी आती है उसकी दवा, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्यूरियस देना चाहिए। एक कंठफेड़ होते हैं, कानों के नीचे के जो दोनों पार्ट हैं वो सूज जाते हैं, तो उसमें भी ये लाभ करती है। नाक से पीले रंग का मवाद जैसा पदार्थ बहता रहता है, नाक की हड्डी में सूजन आ जाती है, उसे छूने से दर्द महसूस होता है, रोगी का जुकाम फककर गाढ़ा हो जाता है, पीला हो जाता है, रोगी को प्यास लगती है, नाक पर किसी प्रकार की जलन तथा दर्द नहीं होता। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण है तो मर्क्यूरियस से ठीक हो जाएगा। रोगी के चेहरे पर गर्मी के कारण घाव हो जाना तथा स्नायु शूल का दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस देना चाहिए। दांत से संबंधित लक्षणों में गठिया तथा पारे का उपयोग करने के कारण उत्पन्न मसूड़ों की तकलीफ, दांत हिलते रहते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, टूटने लगते हैं, जीभ से दांतों को छूने पर दर्द होता है, मसूड़े घिसते जाते हैं, टीस मारता हुआ दर्द कान और सिर तक फैलता है, रात के समय में बिस्तर पर रोग लक्षण बढ़ते हैं, मसूड़ों में सूजन, छूने और चबाने से दर्द होना, मसूड़ों को जरा सा दबाने पर ही खून निकल आना, मुंह के बदबू आना, मसूड़े पक जाना, मवाद आने लगना, इस प्रकार के मुंह के लक्षणों में अगर कोई लक्षण है तो मर्क्यूरियस देना चाहिए। देखिए, मसूड़े और दांत और दर्द और उनसे निकलने वाला पस, इनके ऊपर मर्क्यूरियस का बहुत जबरदस्त अधिकार है। तो इस तरह की तकलीफें तो रोज ही होती है, तो जिनके मसूड़ों से खून आता है, बदबू आती है या पस आती है, तो मर्क सोल 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 21 दिन लें, और इसके साथ ही फिचकड़ी कच्ची फिचकड़ी 1 भाग, माजू फल 1 भाग, और इसके अलावा इनको पीस लेवें और या कोई भी अच्छा मंजन या पेस्ट करें जिससे ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसके रोगी की जीभ लंबी पिलपिली रहती है, जीभ के किनारे सुर्ख रहते हैं, जीभ पर दांतों के निशान रहते हैं। मैं ये मंजन का नुस्खा डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, वो लगातार करें, पायरिया वायरिया सब खत्म हो जाएगा। जबान हिलाई नहीं जाती, जीभ कमकमाती है, रोगी को बोलने में तकलीफ होती है, तुतलाता रहता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्यूरियस देना चाहिए। गले में सूजन आ जाती है, मुंह और गले में
गर्मी के कारण घाव हो जाता है, मुंह में लार भरी रहती है, टॉन्सिल पक जाने के कारण निगलने में अटकता हुआ दर्द होता है, हल्की गिल्टियाँ सूजन आती है। इस प्रकार के लक्षणों में मर्क्यूरियस देना चाहिए। रोगी मांस, शराब, कॉफ़ी, चर्बीदार खाना खाना पसंद करता है, दूध तथा मिठाई, हजम नहीं होती, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, लीवर की क्रिया गड़बड़ा जाती है, खट्टी डकारें आती है, लीवर में दर्द होता है, दाहिनी करवट लेटनेस है, पेट की तकलीफें और बढ़ जाती है, कभी कभी तो रोगी को पीलिया रोग भी हो जाता है, लीवर बढ़ जाता है तथा उसे छूने में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्सोल देना चाहिए। जांग की गिल्टियों में सूजन आ जाती है, मवाद पड़ जाता है, ऐसे रोगी को मर्क्यूरियस देना चाहिए। रोगी की मूत्र नली में जलन होना, बार बार पेशाब आना, थोड़ा थोड़ा पेशाब आना तथा रात के समय में रोग के लक्षण बढ़ना, पेशाब शाही के रंग की तरह कुछ धुंधलापन जैसा होता है, उसमें कुछ खून मिला हुआ रहता है। सुजागते रोग होने के साथ ही रोगी के पेशाब का रंग सब्जी के रंग की तरह हो जाता है। पीप और पदार्थ पेशाब में आते हैं, रात के समय में परेशानी अधिक होती है, सेक्स क्रिया करने में अधिक परेशानी होती है। इस प्रकार पेशाब के लक्षणों में कोई एक लक्षण हो तो मर्क्यूरियस लेना चाहिए। गर्मी के कारण इंद्रिय की सुपारी, लिंग की सुपारी पर घाव हो जाना, इसके साथ ही सूजन आ गई हो तो रोग को ठीक करने के लिए मर्क्सोल देना चाहिए। सिफिलिस रोग से संबंधित, सिफिलिस गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है जो मनुष्य की कुक्रिया का फल होता है। ये रोग व्यक्ति को तब होता है जब वह रोग से इसी रोग से पीड़ित स्त्री के पास संभव करता है। ये रोग गनोरिया की तरह ही होता है, लेकिन फर्क यह है कि गनोरिया रोग में लिंग के अंदर मूत्र नली और उसकी जड़ में जलन और घाव हो जाता है, जबकि सिफिलिस रोग में लिंग के सिरे अर्थात सुपारी पर जलन होती है तथा घाव हो जाता है। ये दोनों ही रोग कुक्रिया करने के कारण होता है। इस रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों की कई बीमारियां, मासिक धर्म में रुकावट, खून का स्राव होना, खून का सुर्ख पीले रंग का आना, खून का रुक जाना, म्योने में खुजली, रात के समय अधिक परेशानी, योनि द्वार में सूजन, खुजली मचना, पेशाब सूजने से अस्तन में दर्द होना, सख्त होना, कभी कभी तो स्त्री रोगी यह भी सोचती है कि मेरे अस्तन पक तो नहीं गए। मासिक स्राव के समय अस्तन में दर्द होना, सख्ती होना, जलन होना, गर्भाशय के समय जनने इंद्रिय में सूजन तथा दर्द होना, चलने पर तकलीफ बढ़ जाती है, बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत दिनों तक मेले रंग का पानी निकलता है। इस प्रकार के मासिक धर्म से संबंधित लक्षण अगर कोई में हैं तो मर्क्यूरियस से लाभ करता है। यूटरस तथा अस्तन से संबंधित, गर्भाशय तथा अस्तन में कैंसर होने पर रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस का प्रयोग करना चाहिए। श्वास संस्थान में जुकाम में गाढ़े पीले रंग का कफ आना, नाक से बहता रहता है, बहुत दिनों तक नाक बहता रहता है, जब रोगी दाहिनी करवट लेटता है तो उसे खांसी अधिक होती है, शरीर में पसीना अधिक निकलता है, अधिक गर्मी तथा ठंड से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है, सीने के दाहिने तरफ सूज चुपता हुआ दर्द होता है, छींकने और खांसने से पीठ में दर्द होता है, टीबी का रोग हो जाता है तथा थूक के साथ खून निकलता है, निमोनिया रोग होने के बाद फेफड़ा पक जाता है, उसमें मवाद पड़ जाते हैं। इस प्रकार के रोगी को मर्क्यूरियस देना चाहिए। रोगी की गर्दन गिल्टियों में सख्ती सूजन आ जाती है, सांस लेने और कमर में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस का प्रयोग करना चाहिए।
वात रोग, जोड़ों में दर्द और सूजन होना, हाथ पैर में लकवा जैसा होना, इस प्रकार के लक्षणों से मर्क्यूरिस का प्रयोग करना चाहिए। चरम रोगों के अंदर भी खुजली होती है, विश्व की गर्मी रात के समय चरम रोग बढ़ते हैं, तो मर्क्यूरिस का प्रयोग करना चाहिए। कुल मिला के रोगी को पेचिस होने पर, साथ ही पेट में ऐंठन होने लगती है, इसके साथ ही आँव के साथ खून मिला हुआ मल आता है, इसमें भी हल्का खून है। इस प्रकार के लक्षणों से पेचिस रोगी ठीक करने के लिए मर्क्सोल देना चाहिए। इसकी संबंधित दवाई है हीपर लेकेसिस, बेलाडोना और सल्फर। लेकिन साइलिसिया के पहले और बाद मर्क्यूरिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी क्रिया को नष्ट करता है हीपर ओरम लेकेसिस मेजरियम सल्फर। इसमें रोग वृद्धि रात के समय है, बिस्तर की गर्मी में पसीना आने से, शाम की ठंडी हवा से और नम मौसम में रोग बढ़ता है। कुल मिला के मैंने आपको मर्क्यूरियस का इस दवा को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जितना काम में लिया जाना चाहिए मर्क्यूरियस उतना लेते नहीं हैं। इसकी दो तीन बनावटें और है, जैसे ये मर्क्यूरियस सोलिविलिस है, दूसरा मर्क्यूरियस बोरोविस है, तीसरा मर्कडल्सिस है, चौथा, इस तरह चार पांच है। जैसे एकोनाइट में एकोनाइट नेप्लेस, एकोनाइट फेराक्स, इस तरह है। तो ऐसा कई दवाओं में होता है, उसकी प्रजातियां वैसा ही काम करने वाली होती है। ये एक सेफ दवा है, इसको 30 पोटेंसी में अगर आपकी बीमारी कोई भी क्यों न हो, अगर वो रात के समय जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, उसके बाद आपकी नींद खराब होती है, तो उठ करके मर्क्यूरियस 30 की आधे आधे घंटे में एक एक खुराक ले लें, आप पूरी रात चैन से सोएंगे, खूब आराम से बंसरी बजाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो दो भाग में करना पड़ा क्योंकि अभी थोड़ा मुझे भी तो रेस्ट चाहिए।